29 सितंबर को मुंबई के रेलवे स्टेशन के फुट ओवर ब्रिज पर भगदड़ मचने के कारण 22 लोगों की मौत हो गई थी। घटना के दौरान घायल हुई 19 साल की शिल्पा विश्वकर्मा ने कहा है कि भगदड़ सिर्फ एक अफवाह के कारण मची थी। शिल्पक ने मामले की जांच कर रहे रेलवे की टीम को बताया कि पुल पर काफी भीड़ थी, तभी किसी ने चिल्लाया फूल गिर रहा है, लेकिन वहां मौजूद लोगों को लगा कि पुल गिर रहा है, जिसके कारण भगदड़ मच गई। जिस दौरान भगदड़ मची थी उस समय शिल्पा भी वहां पर फंस गई थी। उन्होंने चैनल को बताया कि एक फूल बेचने वाला सीढ़ियों पर गिर गया था और वो जोर से चिल्लाया फूल गिर गया है, लेकिन लोगों ने समझा पुल गिर गया है। शिल्पा वहां पर वर्ली पार्ले से कोचिंग क्लास लेकर आ रही थी, लेकिन भगदड़ के कारण सीढ़ियों पर फंस गई। उन्हें वहां मौजूद एक व्यक्ति ने बचाया, जबकि रिपोर्ट में बताया गया था कि बारिश के कारण ओवर ब्रिज पर फिसलन थी और रेलिंग का हिस्सा टूटने से हादसा हुआ। सरकार ने हादसे में मारे गए सभी लोगों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की थी और इसी मुद्दे पर ही शिवसेना मनसे ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा था।